फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को शुरू करूं, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं। तो आप सभी इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ई स्टैम्प सर्टिफिकेट के बारे में या फिर एफिडेविट के बारे में। हम किसी भी तरीके का एफिडेविट या कोई ई स्टैम्प बनाते हैं तो उसके लिए हमें आमतौर पे बाहर जाना पड़ता है जहाँ पे ई स्टैम्प सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। लेकिन अब आप किसी भी तरीके का ई स्टैम्प सर्टिफिकेट या एफिडेविट घर पर ही बना सकते हैं अपने कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप का यूज़ करके। ई स्टैम्प सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कैसे पेमेंट की जाती है, ये सभी प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरीके का ई स्टैम्प बनाने के लिए आपको स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक आईडी क्रिएट करनी होगी। आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में साइन इन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन साइन इन करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ राइट साइड में रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले कॉलम में एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेंगे। आप कोई भी यूजर आईडी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगले कॉलम में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसी को अगले कॉलम में आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अगला कॉलम मिलता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ से चूज कर लेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे रिकवर करने में काम आता है। आप यहाँ से किसी भी सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप चूज करेंगे उससे अगले कॉलम में उसका आंसर आपको टाइप कर देना है या एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप। आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर आप अपने लिए कोई ई स्टैम्प वगैरह बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर लास्ट नेम एंटर करेंगे, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अगले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप अपना पैन कार्ड देना चाहते हैं या पैन कार्ड नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेड कलर के मार्क देख रहे हैं इनको फिल करना ज़रूरी है, और जिनके आगे रेड कलर के मार्क नहीं है आप चाहें तो उन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन को भी आप चाहें तो फिल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर एंटर करने को कहा जाएगा, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद अगले कॉलम में आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद सिटी, पिन कोड और अपनी स्टेट को यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी एंटर करनी होगी ताकि आप अपना अकाउंट लेटर एक्टिवेट कर पाएं। उसके बाद आपसे यहाँ पे बैंक डिटेल मांगी जा रही है, आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर इन सभी कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिए गए कैप्चा कोड को इस कॉलम में एंटर करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और उसके बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आईडी को क्रिएट करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन करना होगा और वहाँ से अकाउंट को एक्टिवेट कराना होगा। तो चलिए सबसे पहले ईमेल आईडी को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का ईमेल आएगा, आपको यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी दे दी जाएगी। यूज़र आईडी के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यूज़र आईडी एक्टिवेशन लिंक। आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का मैसेज आएगा, यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं योर यूज़र आईडी इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुकी है। और उसके बाद आपको वापस से इस होम पेज पे आ जाना है। इस होम पेज पे आने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर दोबारा क्लिक करके वापस से इसी पेज पे आ सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको जो यूजर आईडी आपने क्रिएट की थी उसे यहाँ एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, दिए गए कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, आपको सिंपली इसको इसी पे रहने देना है और यहाँ पे साइन इन कर लेना है। उसके बाद आप साइन इन हो जाएंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देख सकते हैं पे स्टैम्प ड्यूटी, आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे स्टेट सिलेक्ट करने को कहा जाएगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन फॉर ई स्टैम्प सर्टिफिकेट कलेक्शन, यानी कि आप अपना ई स्टैम्प सर्टिफिकेट किस तरीके से कलेक्ट करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने घर पर भी बाय पोस्ट मंगा सकते हैं या फिर आप सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टैम्प सर्टिफिकेट कर सकते हैं, यानी कि आप घर पर ही उसे प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के द्वारा, अपने कंप्यूटर का यूज करके। और उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच, आप अपने नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच में जाके भी अपना ई स्टैम्प सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, हम अपने ई स्टैम्प सर्टिफिकेट को घर पर ही प्रिंट करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पीसी में या लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करते ही आप अपने पीसी में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी टाइप, यानी कि आप किस तरीके का ई स्टैम्प बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या किसी इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एफिडेविट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई जनरल एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप इंडेमनिटी कोई बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एफिडेविट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी डिटेल देख पाएंगे, जैसे कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, ये चार चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर प्रॉपर्टी एड्रेस। आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर कोई एफिडेविट बना रहे हैं उसका अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देंगे, ये मैंडेटरी है, ये कॉलम आपको फिल करना ही होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई एफिडेविट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफिडेविट फॉर इनकम सर्टिफिकेट, या फिर आप चाहें तो अपने इच्छानुसार कोई भी डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगले कॉलम में आपसे कंसिडरेशन प्राइस पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको कंसिडरेशन प्राइस एंटर करना होगा। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि किस एफिडेविट को बनाने के लिए कितना कंसिडरेशन प्राइस लगता है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई एफिडेविट बनाना हो तो 0 कंसिडरेशन प्राइस ही लगता है, तो हम यहाँ पे इसको 0 ही रहने देंगे। अगर किसी अलग तरीके का प्राइस लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको प्राइस पता लग जाएगा और उस प्राइस को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्टी नेम एंटर करना है, जिसका भी आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जिसके भी नाम से आप बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आप एड्रेस देना चाहें तो दे सकते हैं, पिन कोड भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर इन कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो रेड कलर के मार्क वाले कॉलम है इनको आपको फिल करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्टी नेम एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड पार्टी नेम का ऑप्शन मिलता है, अगर कोई सेकंड पार्टी भी है तो आप उसका नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, अदरवाइज अगर सिंगल पार्टी है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल टाइप करेंगे। आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल टाइप कर देना है और इन सभी कॉलम को आपको टाइप भी कर सकते हैं या फिर इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट कौन पे कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जेंडर ऑफ पेड बाय पर्सन, यहाँ से आप उस पर्सन का जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो भी स्टैम्प ड्यूटी को पे कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट, यहाँ पे आपको अपनी स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट एंटर करना है। आप अपना सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं वो कितने अमाउंट का बनाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर कोई एफिडेविट बना रहे हैं तो कितने अमाउंट का वो बनाना चाहते हैं उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लीजिए 10 रुपये का बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 10। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन मिलता है पेमेंट डिटेल, पेमेंट मोड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, यानी कि आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी के लिए किस तरीके से पेमेंट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन कर लेना है।
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। इस सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आपका एफिडेविट या जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में या पीसी में डाउनलोड किया था उसी के थ्रू आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी तरीके का ई स्टैम्प सर्टिफिकेट या एफिडेविट ऑनलाइन ही बना सकते हैं। अगर दिए गए स्टेट्स में से आपकी स्टेट वहाँ पे नहीं शो करती है तो आपको अपनी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ई स्टैम्प सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।